नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में राष्ट्रीय लोकदल को भी एग्जिट पोल हजम नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने इस दावे को खारिज किया है और दावा किया है कि यूपी चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका इस पूरे एग्जिट पोल पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो हो गए, ईवीएम में लोगों ने जो मतदान करना था कर दिया। बिल्कुल, जो हम प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीजें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं? इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था, और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि 10 तारीख को क्या परिणाम आएंगे? कैसी अच्छी होगी सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं, उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई किसी की राय लेते हो, वो भी वातावरण देखता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो मतदाता, जो आज यूपी में भय का माहौल बना रखा है, योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं और डराने और धमकाने के अलावा उन्होंने कुछ चुनाव प्रचार में तो कुछ कसर छोड़ी नहीं, कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट उन्होंने हमें दिए, लेकिन जब कोई पूछेगा उनसे किसे वोट दी, तो हो सकता है वो कह रहे हो कि भाजपा को वोट दी। इसलिए ये जो आंकड़े भी हैं, ये भी उससे इम्पैक्ट हो जाता है, एक एरर आ जाता है इसमें सर्वेक्षण में। जयंत चौधरी जैसी बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने 7 मार्च को ट्वीट कर कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में एसपी गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं को बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन बात एग्जिट पोल की करें तो उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार की वापसी होती दिख रही है। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें बीजेपी को 212 से 326 सीटें दी गई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी करीब 150 सीटों का आंकड़ा पार करती दिख रही है। अब असल नतीजे का इंतजार है। देखना होगा कि इस बार एग्जिट पोल के दावे सच होते हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।